Hey, what's up guys? मेरा नाम है विनीत राघव और आप देख रहे हैं राघव शोक टिप्स एंड ट्रिक्स। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप विंडो 11 ऑफिशियल डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। मतलब विंडो 11 की, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है एंड मैं आज आपके साथ ये पूरा मेथड शेयर करूंगा कि आप इसको अपने पीसी में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर आपके पीसी में विंडो 10 इंस्टॉल्ड है, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन है कि सभी के पीसी में विंडो 10 होती ही होती है, तो अगर आप यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे क्रोम पे जाओगे एंड यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे विंडो 11 ISO, तो आपके सामने पहले ही लिंक आएगा जिसमें कि ये लिखा हुआ है www.microsoft.com का ये लिंक है, अपग्रेड टू द न्यू विंडोज 11 OS। तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक को जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे विंडो 11 के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह आएगा, कहता फ्रेश परस्पेक्टिव, मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी एंड ये सब यहाँ पे बताएगा। तो ऑफिशियल जो अपडेट है वो इसका कहीं भी अवेलेबल नहीं है, मतलब ऑफिशियल आप इसको कहीं से भी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। बट मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इसको जेन्युइनली तरीके से, मतलब एक जेन्युइन साइट है वो जहाँ से मैं आपको आज डाउनलोड करना सिखाऊंगा इसको, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है एंड इसको मैंने भी खुद यूज़ करके देखा और इसके ऊपर मैं एक दो तीन और वीडियो लेकर आऊँगा जो उसके रिव्यू वगैरह से रिगार्डिंग होगी। तो आज की वीडियो में हम फिलहाल ये बात करेंगे कि आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो, ना ही मैं आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा ना ही कोई चीज़। फर्स्ट हम बात करेंगे, यह पहली वीडियो होने वाली है, फर्स्ट पार्ट होने वाला है जिसके अंदर बात करेंगे कि आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो फटाफट से कर दो इस वीडियो को लाइक। अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना है क्या गाइज, मैं यहाँ पे ना एक अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एज यूज़ करते हैं क्योंकि मेरा जो क्रोम है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे टैब्स ओपन है, तो यहाँ पे एज यूज़ करते हैं एंड एज यूज़ करने बाद आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड साइट का यूज़ करने वाला हूँ जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड यहाँ पे मैं आपको एक बार टाइप करके बताता हूँ। इस साइट का नाम है गेट इनटू पीसी। आप जैसे यहाँ पे एंटर करोगे आपके सामने पहले नंबर पे साइट आ जाएगी, ऑल सॉफ्टवेयर कैटेगरीज गेट इनटू पीसी। यहाँ पे क्या है ना, आपको जितनी भी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना, मतलब जितनी भी सॉफ्टवेयर हैं सारे के सारे, चाहे आपका प्रीमियर प्रो हो गया, चाहे आपका फोटोशॉप हो गया, जितने भी आप पेड ले लो यहाँ पे आपको सारे फ्री मिल जाते हैं, यानी कि आप उनको एज अ फ्री में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं ऑल सॉफ्टवेयर्स इसकी कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पे आपके सामने सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज आएगी सबसे पहले जब आप इस साइट को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे होम पे आ जाना है एंड होम पे आने के बाद ना आपको यहाँ पे विंडो 11 सर्च करना है। विंडो 11 जैसे आप सर्च करोगे ना, आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले ही आपके सामने आ जाएगी 2 months ago, 2 महीने पहले यहाँ पे डाल दी थी इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स विंडो 11 विद ऑफिस 2019 प्रो प्लस। 2019 के ऑफिस के साथ आएगी आपकी विंडो 11, यानी कि यार देखो आपका डबल फायदा हो रहा है, एक तो विंडो 11 भी मिल रही है आपको एंड ऊपर से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिला है 2019 प्रो प्लस, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट है, यहाँ पे ना तो कोई ऐड आती ना कोई कुछ आता, आपकी डायरेक्टली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी एंड आपको मतलब यकीन भी नहीं होगा कि रियली इतनी आसानी से हमारी विंडो 11 डाउनलोड होगी। तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे विंडो 11 के बारे में बता रखा है, विंडो 11 विद ऑफिस 2019 प्रो प्लस ओवरव्यू, यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दे रखा है, तो कुछ इस तरीके से बता रखे हैं कि सेटअप गाइड्स वगैरह दे रखी हैं, फीचर आपको बता रखे हैं यहाँ पे विंडो 11 में क्या क्या देखने को मिलेगा, ऑल न्यू हैंड्स ऑन टू न्यू स्टार्ट मेन्यू, कूल एंड न्यू एनिमेशन बैंड ड्रैगिंग द विंडो एंड विंडो एक्सप्लोरर, ये सब आपको यहाँ पे बता रखा है। विंडो 11 विद ऑफिस में आपको क्या क्या देखने मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे जो इसका सेटअप साइज है ना वो थोड़ा बढ़ जाएगा, विंडो 11 का बढ़ गया है, तो मैंने जो इसको डाउनलोड करा था मैं आपको एक बार डाउनलोड वाले सेक्शन पर ले चलता हूँ। तो मैंने इसको ये जो मैंने डाउनलोड करी थी एंड यहाँ पे मैं अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज ओपन कर दिखाऊँ तो इसका जो साइज है वो करीब करीब है 7.56 GB। वो इतना बड़ा साइज क्यों है इसका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 इंक्लूड है एंड खाली ऑफिस का साइज करीब 4.5 से 5 GB का है, तो आप इससे मान लो कि आपकी विंडो का साइज 2 से 3 GB होगा, बस 3 या 4 GB, मैक्स टू मैक्स 4 GB, बाकी आपका ये दोनों मिक्स है तो इसलिए 7.5 से 8 GB की पहुंच गई है, बनाए छोटे साइज में होती है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये 64 bit के लिए कंपैटिबिलिटी आर्किटेक्चर 64 bit, ये 32 bit के लिए नहीं है बिल्कुल भी। सिस्टम रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, आपको इस विंडो 11 को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 के साथ चलाने के लिए आपको यहाँ पे मेमोरी चाहिए 2 GB की, यानी कि आपकी रैम 2 GB की होनी चाहिए, हार्ड डिस्क का स्पेस चाहिए आपको 8 GB एंड प्रोसेसर 2.5 GHz से थोड़ा ज़्यादा तेज होना चाहिए। तो आपके सामने नीचे की तरफ ये डायरेक्टली डाउनलोड का लिंक आ जाएगा जिसमें मैं यहाँ पे अगर इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे डाउनलोड के लिए बोल रहा है डाउनलोड फुल सेटअप बिल्ड 21996.1, ये इसका वर्जन है। तो यहाँ पे जैसे आप इस वाली साइट पे आएंगे ना, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आके आपको वेट करना है। योर रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज विल बी ग्रांटेड फ्रॉम लिनक्स सर्वर, अभी लिनक्स सर्वर से हमारी रिक्वेस्ट ले रहा है। तो आप जैसे आप देख सकते हैं हमारी जो डाउनलोडिंग है ना वो स्टार्ट हो चुकी है,
मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, स्टार्ट नहीं हुई है तो हो जाएगी। तो अब जैसे आप देख सकते हैं जो हमारी डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। गेट इन टू pc.com विंडो 11। आप ये मैं एक बार ना आपको इसको पूरा ओपन कर दिखाता हूँ इस पेज को। तो आप देख सकते हैं गेट इन टू पी सी विंडो 11 डेव बिल्ड 21996.1 विद ऑफिस 2019.iso। यहाँ पे अब भैया हमारी विंडो जो है 11 डाउनलोड हो चुकी है, वो भी विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 के साथ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये थी पहला पार्ट, मतलब ये था पहला पार्ट, थीम ये था पहला पार्ट विंडो 11 को डाउनलोड करने का। अब इसका जो सेकंड पार्ट है बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि आप इसको पेनड्राइव में बूट कैसे कर सकते हैं विंडो 11 को। आपको पता ही होगा एज अ नॉर्मल जैसे हम कोई भी विंडो बूट करते हैं आप वैसे ही कर सकते हैं, बट एक बार अगर आप वीडियो चाहते हैं डेडिकेटेड विंडो 11 के ऊपर तो आप मुझे एक बार कमेंट भी बता देना, तो थोड़ा ये भी मिलेगा कि हाँ भाई कुछ बंदे हैं जो देखना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो बना देते हैं। अदरवाइज वैसे कॉमन तरीका है जैसे आप विंडो 10 बूट करते थे ऐसी सेम आपको विंडो 11 करनी है, बट विंडो 11 के साथ यहाँ पे आपको 2019 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी देखने को मिल जाएगा। तो ये तो एक सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो बस आज की वीडियो इतना ही। आज की वीडियो में आपको ये बताया कि आप विंडो 11 को अपने पीसी में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में आपको एक बोनस पॉइंट मिल गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वो भी 2019। तो यही था आज की वीडियो इतना ही। अब आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता ही यार आपको क्या करना है, आपको कर देना है फटाफट से इस वीडियो को लाइक, एंड उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को जो लोग चाहते हैं कि वो अपने पीसी के अंदर विंडो 11 को डाउनलोड करें एंड उसको इंस्टॉल करें और उसका आनंद उठा सकें, तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अपने चैनल की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखें।